हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ इंटेलिजेंस विद साद खान। मैं आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में समझेंगे, तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, What will come next in the following series? A, C, E, question mark, I, K। हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी जी, ऑप्शन डी एच, ऑप्शन ई जे। ए के बाद हमारे पास सी है, यानी कि इसमें बी मिसिंग है। सी के बाद ई है, यानी कि इसमें हमारे पास डी मिसिंग है। ई के बाद हम एफ को मिस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा जी। जी के बाद हम एच को मिस करेंगे तो हमारे पास आएगा आई। आई के बाद हम जे अल्फाबेट को मिस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा के। यानी कि इस सीरीज से जाहिर होता है कि हमारे पास हर बार एक अल्फाबेट को छोड़ा गया है। तो इसी तरह हम ई के बाद एफ को छोड़ेंगे तो हमारे पास राइट वन आंसर होगा जी, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास राइट वन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? बी डी क्वेश्चन मार्क के पी वी। बी, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी आई, ऑप्शन ई जे। बी के बाद हमारे पास डी है, यानी कि इसमें सी को छोड़ा गया है। और अब हम के को देखेंगे। के के बाद हमारे पास पी है, यानी कि इसमें हमारे पास चार अल्फाबेट्स को छोड़ा गया है, एल एम एन और ओ को। और पी के बाद हमारे पास वी है और इसमें पांच अल्फाबेट्स को छोड़ा गया है, यानी कि क्यू आर एस टी और यू को। यानी कि इस सीरीज से जाहिर होता है कि हर बार एक एक अल्फाबेट का इजाफा किया गया है। यानी कि बी के बाद हमारे पास डी है, तो इसमें सी को छोड़ा गया है। डी के बाद अब हम दो अल्फाबेट को मिस करेंगे, यानी कि ई और एफ को, तो हमारे पास आएगा जी, यानी कि हमारे पास राइट वन आंसर होगा ऑप्शन बी। जी के बाद हम तीन अल्फाबेट को आगे छोड़ेंगे, एच आई जे, तो हमारे पास आ गया के। के के बाद हमने चार को छोड़ा, एल एम एन और ओ को। तो इससे जाहिर है कि हर बार एक एक अल्फाबेट में इजाफा किया गया है। तो डी के बाद हमने दो को छोड़ा तो हमारे पास राइट वन आंसर आ गया ऑप्शन बी, यानी कि जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? एस क्यू ओ क्वेश्चन मार्क के आई। तो इस क्वेश्चन मार्क में हम देखेंगे हमारे पास क्या बनता है। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी जी, ऑप्शन डी एच, ऑप्शन ई जे। जैसा कि हमें ये ऊपर वाली सीरीज से जाहिर है कि ये ऑपोजिट साइड में ए बी सी लिखी गई है, यानी कि इसमें अब हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे। यानी कि राइट में हम देखें आई है, आई के बाद इन्होंने जे को छोड़ा है तो हमारे पास आगे के है। तो सेम एज इट, ओ के बाद इन्होंने पी को छोड़ा है तो हमारे पास क्यू है, और क्यू के बाद इन्होंने आर को छोड़ा है तो हमारे पास एस है। तो अब हम देखेंगे के बाद अगर हम एल को मिस करें तो हमारे पास आता है एम, तो हमारे पास राइट वन आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए क्वेश्चन मार्क एफ एच के एम। क्वेश्चन मार्क में हम देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ई, ऑप्शन ई जी। तो अगर हम देखें ए है, ए के बाद हम एफ को देखेंगे, एफ के बाद हमारे पास
H है, यानी कि इसमें G को मिस किया गया है। तो H के बाद हमारे पास K है, तो इसमें I और J को मिस किया गया है। K के बाद हमारे पास M है, तो इसमें हमारे पास L को मिस किया गया है। यानी कि इस सीरीज से जाहिर होता है कि हर बार पहले एक अल्फाबेट को मिस किया गया है, उसके बाद दो को, यानी A के बाद अगर हम देखें हम A को मिस करेंगे तो हमारे पास B को हमने मिस किया, हमारे पास आ गया C। C के बाद हमने D और E को मिस किया तो हमारे पास आ गया F। यानी कि पहले हमने एक अल्फ़ाबेट को मिस किया, उसके बाद दो को छोड़ दिया। तो सेम एज इट F के बाद हमारे पास आता है H। तो इसमें हमने एक अल्फ़ाबेट को मिस किया। H के बाद हमारे पास आता है K, तो इसमें हमने दो अल्फ़ाबेट को मिस किया। K के बाद फिर M, यानी कि एक हमने अल्फ़ाबेट को मिस किया। तो यानी कि इसमें हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी सी, यानी कि एक बार हम एक अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम दो अल्फ़ाबेट को। तो अब हम बी को मिस करेंगे तो हमारे पास सी बचेगा, तो हमारे पास राइट वन आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज डी एफ आई एम आर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क में हम देखते हैं क्या आएगा। इस ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी डब्ल्यू, ऑप्शन डी एक्स, ऑप्शन ई वाई। अगर हम देखें डी के बाद हमारे पास एफ है, तो इसमें ई को इनके एक अल्फाबेट को छोड़ा गया है। एफ के बाद हमारे पास आई है, तो इसमें दो अल्फाबेट को छोड़ा गया है, जी और एच। और आई के बाद हमारे पास एम है, तो इसमें तीन अल्फाबेट को छोड़ा गया है, जे के और एल को। और एम के बाद हमारे पास आर है, और इसमें चार अल्फाबेट को मिस किया गया है, एन ओ पी और क्यू को। और आर के बाद हम पांच अल्फाबेट को मिस करेंगे, यानी कि एस टी यू वी और डब्ल्यू को। तो हमारे पास पीछ आगे आ जाएगा एक्स, तो हमारे पास राइट वन आंसर होगा ऑप्शन डी एक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ इंटेलिजेंस विद साल खान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।